सुहाने लड़कपन के अंकित गेरा ने करवाया एक हॉट हॉट फोटो शूट, जिसमें वो अलग ही अवतार में नजर आए। तो आपको भी दिखाते हैं यूमी और टीवी में अंकित का ये एक्सक्लूसिव फोटो शूट। स्टाइलिश अंकित, बेयर बॉडी अंकित, एसआर के स्टाइल को कॉपी करते अंकित, ये है एक्टर अंकित गेरा, जिन्हें यूमी और टीवी ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया एक फोटोशूट पर। न्यू ओपनिंग, न्यू इनिंग और अंकित का न्यू फोलियो शूट। अंकित, नई पारी के लिए तैयार? हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया होता रहता है, आप जानते हैं, तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना थोड़ी लुक और चेंज की जाए, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया जाए अपने साथ। बिकॉज जो हम करते आए हैं वो तो एक चीज़ वो है जो हो चुकी है, लेकिन अब जो हम करेंगे और जो मैं अपने गोल सेट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अपने करियर के ग्राफ को थोड़ा और ऊपर लेके जाऊँ, कुछ अलग करूँ, तो इसलिए कुछ लुक भी अपने अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा डिफरेंट होगा तो अच्छा लगेगा। सिक्स पैक तैयारी चल रही है? मतलब फिलहाल तो तैयारी चल रही है, और आप सब जानते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम और है, लेकिन हो जाएगा। तो आज क्या क्या, कितने अवतार में नजर आने वाले हैं अंकित? एक्चुअली मैं खुद अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं किस अवतार में कैसा लगने वाला हूँ, जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट मेरे हाथ में नहीं आता। और एक बार आए तो 6-7 लुक्स मैं ट्राई करूँगा, उसमें से 1-2 जो है मैं फाइनल करूँगा अपने लिए, जिससे कि मैं कंटिन्यू करूँगा। तो अंकित का ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा, उनसे ही पूछते हैं। बहुत मजा आ रहा है, एक तो मेरी फेवरेट मुंबई, यहाँ से बहुत ही क्लियरली और बहुत ही प्यारी सी दिखती है, और इस लोकेशन पे शूट करना मेरा बहुत मन था इस बार, इसलिए मैंने मेरे जो फोटोग्राफर हैं फैजल, उनको भी कहा कि मुझे बीच पे शूट चाहिए, लेकिन प्रॉपर बीच पे जैसा होता है वैसे नहीं चाहिए, कुछ ऐसा बीच चाहिए जहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्र का फील आया। आप देख सकते हैं वहाँ पे फिशिंग बोट्स दिख रही हैं, फिशरमैन हैं यहाँ पे, और इसमें एक जो ये थीम है वो एक क्लास और एक ब्यूटी को नजर में रख के जो है ये हमने फोटो लिए, एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स। वैसे अंकित इस बीच लुक को कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये उनसे ही पूछ लेते हैं। तो अंकित, ये शायद आपका फंकी पार्टी लुक? ये बहुत ही फंकी लुक है, क्योंकि ऐसे लुक में मैं कभी टेलीविजन में नहीं रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब जब मैं वापस आऊँ तो कुछ अलग अवतार में, कुछ अलग लुक में आऊँ, तो इसलिए मैं अपने लुक को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब कितना, ये हमेशा आपने अलग रूप में ही देखा हुआ है, और ये अभी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक में देखने वाले हैं लोग? जी ज़रूर, बिकॉज प्रतिज्ञा में मैं ट्राउज़र और शर्ट पहनता था, सपने सुहाने में मैं जीन्स और टी शर्ट पहनता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं वापस स्क्रीन पर आऊँ तो कुछ ऐसा पहनूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया हो, क्योंकि आप भी एक चीज़ कर करके मोनोटोनस हो जाता है, और 2-4 लुक्स ऐसी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझ पर सूट करे, जो मैं अच्छे से कैरी कर पाऊँ, तो उस लुक को मैं कंटिन्यू रखूँगा आगे बढ़े। अच्छा, फिक्शन तो काफ़ी देख लिया, अब रियलिटी की भी तैयारी कुछ शुरू ही है? खैर, आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि अब करियर का ग्राफ जो है वो एक अच्छी तरह से ऊपर जाए, एंड उसके लिए आई एम प्रेइंग टू गॉड, और मैं मेरे सब फैन से भी यही गुजारिश है कि आप सब मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं इसके बाद जो भी करूँ कुछ अच्छा ही करूँ। मतलब बिग बॉस में अगर जाने का मौका रहा तो अंकित ये मौका छोड़ने नहीं वाले? अभी तक बिग बॉस का कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है मुझे, लेकिन लेट्स सी, कुछ भी कंटेस्टेंट का कोई फाइनलिस्ट नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तो आई होप अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। चलिए, आपकी उस नई पारी के लिए हमारी ओर से अभी से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन यशवंत के साथ, 24 मुंबई।